हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ बीच लग्जरी होटल, तो बस सीधा पहुँच के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बाकी आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर सीधा पहुँच के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बीच लग्जरी होटल। मुदब्बिर भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं और ये इसकी पार्किंग एरिया है। अब चलते हैं सीधा अंदर और आपको मैं विजिट कराता हूँ। बीच लग्जरी होटल ये रिसेप्शन एरिया इसका, और अंदर चलते हैं फिर आपको मैं विज़िट कराता हूँ। आगे लॉबी है ये पूरी इसकी। ये पूरा इसका लॉबी एरिया है। तो ये इसके लॉबी एरिया में एक्वेरियम भी हैं, ये फिशेस देखें आप। और ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, कैश बा के नाम से रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ये है बट पूरा खाली हुआ हुआ है, अभी कोई भी नहीं है यहाँ पर। A few moments later, इसका व्यू देखें आप सिर्फ हैं। चलो आ जाओ, चलते हैं। वही लग रहा है सेम श्रीलंका की तरह, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। तो आए अब चलते हैं सीधा स्विमिंग पूल की तरफ। तो ये बीच लग्जरी होटल का स्विमिंग पूल एरिया है। बहुत ही आला किस्म का व्यू था यहाँ पे। बस दिल तो कर रहा था जंप कर लूँ, बट देख देख के दिल अपना बहलाते रहे। फिर तो कुछ सिनेमैटिक शॉट रिकॉर्ड किए, तो जब तक वो देखें आप। 3 hours later, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। ये यहाँ पूरी घास है, यहाँ भी फंक्शन वगैरह होते हैं। अभी एक फंक्शन और वो भी रहे, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, ये देखें। तो अभी आपको एक और व्यू मैं दिखाता हूँ फिर, ये देखें आप। ओ सामने आपको नज़र आ रहा होगा पोर्ट ग्रैंड, ये नेटी जेटी का पुल है सामने, और पोर्ट ग्रैंड आपको ये नज़र आ रहा होगा। बहुत ही कोई आला किस्म का व्यू है। तो आए फिर चलते हैं अभी। भाई यहाँ आ गए हम लोग, बैंकॉक आ गए आज हम लोग ना। तो मैंने कहा आप लोगों को विज़िट करा दें, चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे नहीं, तो लेकिन ये कि आप लोग हमारे भाई हो तो आप लोग को ये बैंकॉक पूरा विज़िट करा रहा हूँ। भाई कंटेनर हमारा कब लग रहा है यहाँ पे उमर भाई? बस भाई उमर भाई ने रिवील कर दिया है कि यहाँ पे निकाह सेरेमनी यहीं पे होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत ही कोई सेक्सी किस्म का यहाँ का व्यू है। सामने ये होटल है और विंडो से अलग ही एक व्यू आपको एंजॉय करने को मिलेगा यहाँ पे, समझ रहे हो? बहुत अच्छा होटल है ये बीच लग्जरी, और यहाँ पे ये बूफे सेटअप भी दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ आपको इवेंट्स वगैरह आप कर सकते हैं अपना, शादी वगैरह का आज भी एक इवेंट हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। बहुत ही कोई आला किस्म का ये होटल है, और यहाँ पे बूफे सेटअप दिया हुआ है इन्होंने।
तो बिल्कुल बीच समंदर में आपको बूफे का सिस्टम इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, तो आएँ देखते हैं और मैं आपको विज़िट कराता हूँ फिर। चलिए तो ये है बूफे का सेटअप, यहाँ पे सिटिंग की जगह है, ये अभी क्लोज़ हुआ हुआ है, स्टार्ट होने में अभी काफ़ी टाइम है। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, आप देखें काफ़ी डिशेस हैं यहाँ पर भी, बट अभी बंद है ये सब मेन्यू की डिशेस हैं। और अभी यहाँ इन्होंने आग लगा दी है, चूल्हा जल गया है। तो ये मिर्चें, बस अभी मिर्चें खाने को मिलनी है, मिर्चें खाओ आप। वो जा रही है एक बोट, ये आप पोर्ट ग्रैंड से बैठ सकते हैं। यहाँ पर बूफे के चार्जेस हैं 3600 ईच प्लस टैक्स, और 25 प्लस डिशेज हैं इनके पास। तो अभी बूफे स्टार्ट हो रहा है लगना, और यहाँ पे लाइव म्यूज़िक है, सामने पोर्ट ग्रैंड आपको नज़र आएगा, और यहाँ पे आप बूफे इंजॉय करें अपना। बहुत ही आला किस्म का व्यू है यहाँ का, लेकिन चार्जेस इनके पर हेड बहुत हैं, 3600 ईच। इतना तो रमादा होटल में चार्जेस नहीं थे जितने यहाँ पर हैं। ये है डेजर्ट बार, डेजर्ट बार अभी इन्होंने डेकोरेट कर दिया है, इसमें मिठाई हैं। ये है, तो ये है लावा केक, देख के तो मुंह में आप लोग के पानी आ रहा होगा। ये स्वीट्स हैं यहाँ पे, मिठाई वगैरह दी हुई हैं इन्होंने, और ये ब्राउनीज हैं, कस्टर्ड पुडिंग, शीर कोरमा। ईद के अलावा तो कभी खाते ही नहीं हम, आज देखने को मिल रहा है शीर कोरमा यहाँ पर, मिठाई वगैरह है, शीर कोरमा है। ये सब इनका डेजर्ट बार है जो स्टार्ट अभी लग चुका है, और बूफे में टाइम है 8 बजे से स्टार्ट होता है यहाँ का बूफे। तो ये सैलेड बार इनका रेडी हो चुका है, कोई ख़ास नहीं है वैसे इतना। ये है ब्रेड रोल। A few moments later. रात का व्यू देखें आप, बहुत ही कोई VIP व्यू है इधर का। Three hours later. बस फिर मैं व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, बाकी आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।